नागरिकता बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी ओर उपराजधानी में चल रहे शीत सत्र में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने नागरिकता बिल असंवैधानिक करा दिया, तो विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस बिल को निर्णय न्यायालय के अधीन होने की बात कही। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने नागरिकता बिल को असंवैधानिक कहा, जिसके बाद सदन में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेता भी हंगामा करने लगे। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि जो न्यायालय लागू करेगा वही राज्य में लागू होगा और आप इस तरह बिल को असंवैधानिक नहीं कह सकते हैं। जिसके बाद विपक्ष के सारे विधायक बिल में आकर अध्यक्ष के सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। अध्यक्ष ने बार बार संयम रखने की बात कही, लेकिन विधायकों की संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसी नारेबाजी जारी थी, जिसके चलते अध्यक्ष ने सदन का कामकाज 11:47 पर तहकुब कर दिया। 11:57 पर तालुका अध्यक्ष यशोमती ठाकुर द्वारा सदन में आते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, इसलिए तालिका अध्यक्ष ने कामकाज 10 मिनट के लिए तहकुब कर दी, जिसके बाद 12:07 पर सदन का कामकाज फिर से शुरू किया गया। इस दौरान अध्यक्ष ने कानून को असंवैधानिक ना बोले ऐसे निर्देश दिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ एकता गहरवा की रिपोर्ट।